नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी देश के स्वतंत्रता के 75वां वर्ष मनाए जाने की परंपरा निर्बाध रूप से मनाया जा रहा है। विगत वर्षों का इतिहास और पुरानी परंपरा को तोड़ा गया इस वर्ष 2021 में, जो कटनी फॉरेस्ट प्ले ग्राउंड चली आ रही परंपरा वर्षों से उसका पटाक्षेप हुआ। वर्ष 2021 में प्रशासन ने 15 अगस्त के कार्यक्रम को शहर के मध्य में होने वाले फॉरेस्ट प्लेग्राउंड में ध्वजारोहण अब पुलिस लाइन झिंझरी में हुआ, जो शहर वासियों के बुजुर्ग बच्चों महिलाओं आमजन के लिए आसानी से पहुंच से दूर नजर आया। वहीं कटनी के युवा कांग्रेस नेता और समाज सेवक लोगों ने फॉरेस्ट प्लेग्राउंड जाकर ध्वज लेकर मैदान में जय हिंद भारत माता की जय के नारे के साथ मैदान के चारों ओर फेराल गाकर इस परंपरा को निभाने का प्रयास किया। पुलिस लाइन में कटनी मुड़वारा विधायक जनप्रतिनिधि साथ अन्य जनप्रतिनिधि सहित तमाम शासकीय आला अधिकारीगण जिले के मौजूद रहे हैं। कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने वाचन किया और परेड का निरीक्षण कर सलामी लिया। परेड में नगर सेना, पुलिस बल, महिला दल, शस्त्र बल की टुकड़ियां शामिल हुई रही। पुरस्कार वितरण में प्रशासन ने सब विभागों का ख्याल रखा। पुलिस थानों को आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग व अन्य गो और समाजसेवी संस्थाओं को भी मंच से पुरस्कृत किया गया। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी, कटनी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के चार स्तंभों भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के लिए निर्धारित आउटकम्स एवं आउटपुट्स की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। अधोसंरचना विकास का आधार है। प्रदेश में 2024-25 तक सिंचाई क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं के माध्यम से वर्ष 2020-21 में 5,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नर्मदा कछार में लगभग 26,000 करोड़ रुपए की लागत से 5.5 लाख हेक्टेयर में 10 सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोनों आगे हो जाओ, पीछे रखो झंडे, बाकी सब बाकी सब इनके पीछे दौड़ दौड़ के चले नहीं तो पैदल नहीं तो बीच में आओ, बीच में आओ बेटा, पीछे इधर आधा तुम लोग इधर आ जाओ, आधे इधर लगाओ। सर पर संपूर्ण जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। हमारा स्वतंत्र भारत अमर रहे, निरंतर प्रगति करे, इसी प्रकार हम विकास के पथ पर अग्रसर हों, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने जिले में, अपने देश में समृद्धि आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मीडिया बंधुओं को, जनप्रतिनिधिगणों को, आम जनता को, हमारे शासकीय सेवकों को, बच्चों को, महिलाओं को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम बहुत सादगी से मनाया गया कोविड को देखते हुए, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हम लोग इसी प्रकार जो है कार्य करेंगे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। सर, जगह का इस बार परिवर्तन किया गया था, क्या व्यवस्था है? बहुत कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है कोविड नियमों को देखते हुए भी, और वहाँ पर भी कुछ हम लोगों को विकास कार्य करने हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छे से आयोजित किया गया है। बहुत से जिलों में पुलिस लाइन में कार्यक्रम होता है, इसके पीछे की हम लोग के इसको अरेंज करने की कुछ आवश्यकताएं, बाकी कोई और कारण नहीं।